हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस एंड स्पोर्ट्स आर्मी में। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो नर्सिंग असिस्टेंट्स के एग्ज़ाम के ऊपर है, जो 17 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों, आपका काफ़ी सारा कमेंट आ रहा था कि उसमें जीके जीएस का लेवल क्या था। तो आज मैं जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस लेकर आ चुका हूँ जो पेपर में आए थे। तो दोस्तों, ये आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा आगे आने वाले पेपरों में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। दोस्तों, जीके जीएस में सबसे पहले आपको बता दूँ, 20 क्वेश्चन दोस्तों आए थे आपके, पूरे 20 मार्क के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, 20 नंबर के। तो अब आप लोग को मैं बता देता हूँ, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन था वो दोस्तों, भारत में किस राज्य में हीरो की अधिक बिक्री होती है। तो दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल जीके जीएस का लेवल था इसका। तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो ठीक है, वरना मैं बताता हूँ इसका आंसर दोस्तों, सूरत था, ठीक है। सूरत में सबसे ज़्यादा हीरा बनता भी वहीं पे है और बिक्री भी वहीं पे होती है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन था, चाय अधिक कहाँ पाई जाती है। तो चाय दोस्तों अधिक असम में पाई जाती है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड था दोस्तों, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, मुंबई में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, किंग ऑफ ऑल एसिड, कौन से एसिड को सभी एसिड्स का किंग कहा जाता है, वो है दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद दोस्तों, इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको कहा जो ट्रेड से क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे। तो दोस्तों, ये था कि लीवर का कार्य क्या है। तो लीवर का कार्य दोस्तों एक्सक्रीशन करना, ठीक है, लीवर का कार्य एक्सक्रीशन करना। उसके बाद सबसे लंबा हाईवे कौन सा है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, NH-44। उसके बाद दोस्तों, बायफोकल लेंथ का फॉर्मूला पूछा गया था इसमें। उसके बाद दोस्तों, हड्डियों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑर्थोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को कहा जाता है। आँखों के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, वो क्या होता है आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर 10th क्वेश्चन का। तो 10th क्वेश्चन दोस्तों था कि जो पार्क स्ट्रीट है वो क्या है दोस्तों। तो पार्क स्ट्रीट भारत और श्रीलंका को दो हिस्सों में बांटती है, उसे पार्क स्ट्रीट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों, स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। दोस्तों, ये काफ़ी एक सही क्वेश्चन आया था कि स्टॉक मार्केट को कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट को सेबी, आपने इसका नाम सुना होगा, सेबी है जो कि स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये जीके जीएस के क्वेश्चन का लेवल था, आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हम आगे की ओर चलते हैं कि चाइल्ड लेबर। तो दोस्तों, चाइल्ड लेबर के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन दोस्तों बताता हूँ। चाइल्ड लेबर में क्वेश्चन था दोस्तों कि सरकार ने कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। मतलब आपको पता होना चाहिए कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करते हैं, तो कितनी उम्र होनी चाहिए कि ताकि वो काम कर सकें। तो दोस्तों, इसका आंसर मुझे वहाँ पर पता नहीं था क्या है नहीं है, तो मैंने इसका आंसर 18 साल लिख दिया था, ठीक है। अब फिर था दोस्तों आप लोग का 13वां क्वेश्चन कि पहला भारत का जो पहला विदेश मंत्री कौन था। दोस्तों, आपको सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, 14th क्वेश्चन था कि ओर कहाँ पाया जाता है। तो ओर दोस्तों लोहे का ही एक पार्ट है, लोहे के अंदर ही ओर पाया जाता है, तो इसका आंसर दोस्तों लोहा होना था, आयरन। उसके बाद दोस्तों, ये था हाँ दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और सेलुलोज। दोस्तों, यहाँ पे मैं बताता हूँ, कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ था दोस्तों कि इसमें था क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो जानवर और इंसान द्वारा नहीं पचाया जा सकता। तो दोस्तों, उसका मैंने सेलुलोज लिख दिया था। अब इसका आंसर क्या होगा ये अभी हमें पता नहीं चला है, फिर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हाँ, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिरर से आया हुआ था कि गाड़ियों में जो लगा हुआ शीशा होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, कॉनवेक्स होता है, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके बाद, मैग्नीफाइंग गिलास में कौन सी लेंस यूज़ होती है, जो मैग्नीफाइंग गिलास होती है उसमें कौन सी लेंस यूज़ होती है। तो दोस्तों, जीके जीएस का यही लेवल है, आप लोग देख सकते हो। अगली जो वीडियो होगी वो मैथ्स की होगी कि मैथ्स कैसा आया था। तो मैथ्स के वीडियो के लिए तैयार रहो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद।